नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। प्रकरण नंबर 23 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत देश का वातावरण ऐसा है कि हम इस वातावरण में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा साल कैसे बीत जाता है। कि देखिए, अभी सर्दी का मौसम है, ठंडी की ऋतु है, धीरे धीरे वह ख़त्म होती जा रही है और वसंत ऋतु आती है, फूलों के खिलने का मौसम है। ठीक है ना, आप सबको याद होगा 14 फेब तो सब मनाते हैं। तो ये फूलों का मौसम है हमारे देश में भी। इस प्रकार देखते हैं तो ये वातावरण, ये प्रकृति इतनी सुंदर बनती है, इतना खेतों में धान उगता है, अन्न उत्पादन होता है और बहुत नए नए पर्ण खिलते हैं, फूल खिलते हैं। और इसीलिए हम वसंत ऋतु का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और वसंत ऋतु हमारे जीवन में भी एक तरोताजापन लाती है। तो ऐसा ही यह प्रकरण है हमारी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का, वीरों का कैसा हो वसंत। हम सब सभी सीजन मनाते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, सर्दी हो, वसंत ऋतु हो, पतझड़ हो, हम सब उन वातावरण में अपने आप को डालते हैं। पर यहाँ वीरों का वसंत कैसा हो, हमारे वीर सैनिक जो हैं हमारे बॉर्डर पर हैं या हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, ऐसे वीर सैनिक के जीवन में सीजन या वातावरण या जो त्यौहार आते हैं वसंत ऋतु में, जैसे होली का त्यौहार है या बैसाखी का त्यौहार है, ये पोंगल भी आता है, ऐसे बहुत सारे त्यौहार हमारे सीजन के आधार पर भी होते हैं। तो इस वातावरण में वीर सैनिक क्या करते हैं, कैसा होता है उनका वसंत, ये हमें सुभद्रा कुमारी चौहान अपने इस काव्य रचना के द्वारा हम देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय और सीखना है, जानना है वीर सैनिकों के जीवन में क्या मायना रखता है वसंत ऋतु का। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये झंडा आंदोलन में भी क्रांतिकारी रूप में शामिल हुई थी और कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि। और निधन उनका 15 फरवरी 1948 में हुआ। यहाँ काव्य पंक्तियां हैं प्रस्तुत, उसका हम भावार्थ करेंगे कि वीरों का है वसंत कैसा। काव्य रचना में कवियत्री ने हमें पूछा है कि हम सबके जीवन में तो सभी ऋतुओं का एक अलग महत्व होता है, पर यहाँ वीरों का कैसा महत्व है। आ रही हिमालय से पुकार, चारों ओर से सब पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा है। उदती गरजता बार बार, उदती मतलब समुद्र बार बार गरजते हुए पूछता है। प्राची पश्चिम भूनभ अपार, चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम, जमीन आसमान, चारों दिशाओं से सब पूछ रहे हैं कि दिग दिगंत वीरों का कैसा है वसंत। हमारे वीर सैनिक अपने जीवन में देश के लिए, जो रक्षा के लिए, सुरक्षित हमें रखने के लिए डटे हुए हैं, उनके जीवन में, हर एक के जीवन में वातावरण का असर तो रहता ही है। फूली सरसों ने दिया रंग, कितनी सरसे खिल उठी है खेतों में, देखे फूल खिल उठे हैं, मधु लेकर आ पहुंचा आनंद। और भंवरे, पशु पक्षी, प्राणी सब इस सुंदर वातावरण का आनंद ले रहे हैं। वधु वसुधा पुलकित अंगंग, हमारी वसुधा धरती बहू की तरह खुश है। इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और धान उगते हैं, अनाज उगते हैं, तो हमारी धरती खुश होती है। तब हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा है वसंत। यहाँ कंत यानी पति, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और उसका पति जो वीर है, सैनिक है और सुरक्षा के लिए लड़ाई में गया है, उसके जीवन में वसंत क्या। तो उसके जीवन में वसंत नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनका पति उनसे विरह में रहती हुई वीराना के साथ नहीं है। देखते हैं चारों ओर जो
जब सभी दिशाओं से सबने ये प्रश्न पूछा है कि वीरों का वसंत कैसा हो। ये हैं हमारे वीर सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं, अपना परिवार, अपने घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी या अपने ऋतु, त्योहार, सीजन जो भी कहो, ये सब कुछ अपने सैनिकों के साथ रहकर दुश्मनों के साथ आक्रमण करके देश की सुरक्षा में रहते हैं। तो उनके जीवन में वसंत ऋतु का कोई महत्व है कि नहीं, ये हमारी कवियत्री कहती है। वसंत ऋतु में क्या हो रहा है, भर रही कोकिल इधर तान, कोयल बोल रही है, आम्र के वृक्ष पर आम आने की तैयारी है, सुंदर फूल खिले हैं रंग बिरंगी। आप देख सकते हैं कि जैसे धरती और आकाश मिलने के लिए आतुर हैं, ऐसा सुंदर वातावरण है। प्रकृति ने अपनी शोभा चारों ओर बिछाई है, ऐसे में क्या हो रहा है। मारो बाजे पर उधर गान, ढोल नगाड़े बजाकर लोग त्योहार मना रहे हैं, रंग और रंग। विद्यार्थी मित्र, यहाँ सीखने वाली बात है, रंग यानी होली का त्योहार हम मनाते हैं, रंग बिरंगी फूलों के साथ हम खेलते हैं। आपको पता होना चाहिए केसुड़ानु फूल छे, गुजराती में आपड़े ने केसुड़ो कहे, उसके फूल से जो केसरी कलर निकलता है उसी से हम होली खेलते हैं। तो ये रंग और रण वीरों के जीवन में रण है, युद्ध मैदान है, और ये युद्ध मैदान में जैसे गोलियों से खेलते हैं और हम हैं फूलों से खेलते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया कि वीरों के जीवन में क्या वसंत है। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा वसंत, कह दे अतीत अब मौन त्याग। प्राचीन काल से बहुत लड़ाइयाँ होती रही है, यहाँ जिक्र किया है कुरुक्षेत्र के रण मैदान का, यहाँ जिक्र किया है हल्दी घाटी के युद्ध का। तो हमें बतलाए हमारे अतीत, हमारे जो योद्धा हैं, वह बताए हमें कि क्या है युद्ध में वीरों का ताकत या क्या है वीरों की पहचान। अनुभव से हमें बताए, हमारे अतीत से हमें सीखना है। ये है रामायण काल की लड़ाई या कुरुक्षेत्र की लड़ाई, इन सब प्राचीन लड़ाइयों से या सिंहगढ़ प्राप्त करने की लड़ाई जो भी है उनसे हमें सीखना है। हमारे वीर योद्धा सीखते हैं और लड़ाई करते हैं, युद्ध में आक्रमण करते हैं और हमारे शत्रुओं का सामना करके देश की सुरक्षा करते हैं। ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये दिखाई देता है आपको दुर्ग सिंह, सिंहगढ़ को प्राप्त करने की, ये राणा सांगा का घमंड जो था ये दिखाई देता है। और उसमें तानाजी ने शिवाजी के साथ रहकर जो लड़ाइयाँ की, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन यहाँ दिया है। सिंहगढ़ प्राप्त करने के लिए राणा और ताना का युद्ध वर्णन है, और साथ साथ ये ज्वलंत स्मृतियाँ, ये प्राचीन युद्ध की स्मृतियों से हमें आगे बढ़कर और अच्छी तरह से हमारे वीरों को एक साहस देना है, एक उत्साह भरना है उनके जीवन में। तो कवि कहते हैं अंत में कि हमें इन सब वीरों का साहस प्रकट करने के लिए आज हमारे पास हमारी कलम बंधी हुई है, हम खुलकर उसका वर्णन नहीं कर सकते। भूषण अथवा कवि चंद नहीं रहे, बिजली भर दे व छंद नहीं रहे, उनके जीवन में उत्साह। आप देखिए विद्यार्थी मित्र, जो आज़ादी से पहले के गाने थे वह कैसे गाने थे, हमारे पैट्रियोटिक सॉन्ग जो हैं कि हमारा जीवन में उत्साह भरने वाले या साहस भर देने वाले गाने थे। आज ऐसे गाने या ऐसी कविताएं हमें नहीं मिलती जो बिजली भर दे, उत्साह भर दे। तो हमारी कलम बंधी है, ऐसा कवि कहते हैं। तो फिर कौन बताएगा कि प्राचीन युद्ध कैसा था, प्राचीन योद्धा कैसे थे, उनसे हमें कैसे लड़ाई में साहस जुटाना है, ये सब हमें सीखना है। अंत में कवि कहते हैं कि इस प्रकार हमें हमारे प्राचीन युद्ध या योद्धाओं से अनुभव प्राप्त करके हमें हमारे जीवन में और साहस भर देने वाली, उत्साह भर देने वाली देश के सुरक्षा में हम और साहस भरे कार्य करें या हम आक्रमण करें अपनी लड़ाई में दुश्मनों का सामना करके, और इस प्रकार
हम हमारे देश की सुरक्षा में अपने आप को न्योछावर कर दे, यही उत्साह भरने वाली इस काव्य पंक्तियों को हमने भावार्थ के रूप में आज समझा। मुझे आशा है कि वसंत ऋतु का आनंद आप भी लेंगे, साथ साथ हमारे वीर सैनिकों को भी याद करेंगे। धन्यवाद।